इस सेगमेंट में वैसे तो हम लोगों को डिस्कस करना था रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी संरक्षित बल तथा स्थितिज ऊर्जा के बीच में हमें रिलेशन डिस्कस करना था, लेकिन मैं अभी इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। पोटेंशियल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विभव। ठीक है, तो ये जो विभव होता है ये एक्चुअल में होता क्या है? विभव का संकल्पना या विभव का कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, तो इससे आप समझते क्या है, ये पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी इससे आता कहां से है, ये चीज पूरा मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। मैं कॉलेज में भी देखता हूं बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वे एक्चुअल में कभी रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, ये है क्या चीज ये पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, ऊर्जा का रूप, एक एनर्जी का फॉर्म है, हमें समझ में आ जाता है। कुछ नहीं समझ में आता तो लोग ऐसे कह देते हैं कि मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है तो ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, और नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी घटता है। ठीक है, बट मुझे ये जरा बताओ ना, ये पोटेंशियल है क्या चीज, ये पोटेंशियल क्या है, इसी चीज को मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और ये स्पेशल क्लास है और इसमें आप लोगों को पोटेंशियल से रिलेटेड कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरे लाइफ टाइम आपका ये सबसे अच्छा वीडियो होगा पोटेंशियल को समझने के लिए। देखिए, जो पोटेंशियल होता है ना, वो किसी न किसी फील्ड से जुड़ा होता है, किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा होता है। अब ये क्षेत्र क्या चीज आ गया, ये क्षेत्र को हल्के में ना लीजिए, ये बहुत चीज है, एक पूरा इसी फील्ड से जुड़ा हुआ। फिजिक्स में एक फील्ड थ्योरी डेवलप की गई है, हालांकि फील्ड थ्योरी आपके लेवल पे मैं यहाँ बीएससी लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकता, ये एमएससीएन हायर लेवल पे डिस्कस किया जाता है फील्ड थ्योरी, फिर उसी में क्वांटम फील्ड थ्योरी, अदर फील्ड थ्योरी सारे आते हैं। बट मैं आपको यहाँ सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि ये जो पोटेंशियल है ये किसी न किसी फील्ड से जुड़ा होता है, हर फील्ड का, हर फील्ड के किसी न किसी पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है। अभी समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, बस एक एक बात सुनिए। जैसे मैं दो फील्ड लेके चलता हूं, पहला फील्ड मैं लूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड जिसे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र बोलेंगे, और दूसरा मैं लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे पैदा होता है, इस ब्रह्मांड का कोई भी पार्टिकल, कोई भी पिंड जिसके अंदर द्रव्यमान हो, उसके द्रव्यमान के कारण उसके चारों ओर एक अदृश्य ऐसा क्षेत्र पैदा हो जाता है जिस क्षेत्र को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यानी किसी भी पार्टिकल में अगर द्रव्यमान है, इवन आपके अंदर भी अगर द्रव्यमान है, तो आपके द्रव्यमान के कारण आपके चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र पैदा हो जाता है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। और कोई भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के एग्जिस्टेंस का अनुभव अपने फील्ड द्वारा करता है। नहीं समझ में आया, और अच्छे समझाता हूं। ये जो पार्टिकल है, इसी पार्टिकल को मान लीजिए कि ये अर्थ है, पृथ्वी। तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर एक ग्रेविटेशनल क्षेत्र है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल क्षेत्र भी ज्यादा हमें फील होता है। अब अगर कोई पार्टिकल इसके ग्रेविटेशनल क्षेत्र में आता है, तो मान लीजिए एक पार्टिकल इसके ग्रेविटेशनल क्षेत्र में आया, छोटा सा, इसका मास एम है, तो इस पार्टिकल के मास के कारण भी इसका एक ग्रेविटेशनल क्षेत्र होगा। तो जब ये पृथ्वी के क्षेत्र में आएगा, तो इस पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फील्ड और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ही हम लोग ग्रेविटी कहते हैं स्पेशल केस में, जबकि बाकी किसी भी पार्टिकल का उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसके मास के कारण उसको हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन। तो यहां पे इसका जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो ये फील्ड के इंटरेक्शन के कारण होता है। जब तक इस पार्टिकल का फील्ड अर्थ के फील्ड से कांटेक्ट नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, तब तक इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो वही फील्ड से फील्ड इंटरेक्ट करने के कारण इसका नतीजा होता है कि दोनों के बीच में आकर्षण लगता है, और जो कि हम आप लोग महसूस करते हैं। अगर ये पार्टिकल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो, स्पेस में, ब्रह्मांड के किसी दूसरे छोर पे हो, तो इस पार्टिकल का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके चारों ओर और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जिससे अर्थ का आकर्षण इसके तक नहीं पहुंच पाता और इसको नहीं खींच पाता, जैसे उल्का पिंड हो गया। समझ में आया? जब ये उल्का पिंड घूमते घूमते अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाता है, तो दोनों के फील्ड में इंटरेक्शन होता है, और जब जब फील्ड का इंटरेक्शन होगा, तो ये इसको इनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स के रूप में देखने को मिलेगा। वो फोर्स एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के केस में ये फोर्स केवल और केवल एट्रैक्टिव होता है।
जबकि चार्ज के केस में एक ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इसके चारों तरफ जो एक अदृश्य फील्ड पैदा होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इसके चारों तरफ एक अदृश्य फील्ड पैदा होगा उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। चूंकि ये यहाँ पे क्या होगा, अब अगर ये दोनों का फील्ड इंटरेक्ट किया तो चूंकि ये अपोजिट काइंड के हैं तो इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो ये आपस में अट्रैक्टिव फील्ड करेंगे। अगर यही पॉजिटिव होता ये तो इन दोनों का फील्ड आपस में रिपल्सिव अट्रैक्शन करते, एक दूसरे को रिपेल करते, मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन। तो अब ये तो समझ गए आप लोग फील्ड का इंटरेक्शन। अब ये जो फील्ड है यानी ऐसा कुछ तो है ना इस फील्ड में चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस फील्ड के अंदर प्रत्येक पॉइंट पे कुछ तो ऐसा है ना जो इंटरेक्ट कर रहा है किसी दूसरे पार्टिकल के फील्ड से। क्योंकि भाई ये जो पार्टिकल अर्थ से बहुत दूर है ये डायरेक्ट तो कॉन्टेक्ट में नहीं आया, फिर भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना क्योंकि इनके फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यानी फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पे कुछ तो है ना ऐसा, कुछ तो ऐसा है ना जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या कुछ तो है उसी को हम लोग कुछ नाम देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल नाम हम लोग अभी बाद में देंगे। अब मैं आपको ये समझाने की स्थिति में पहुंच गया हूं कि पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि विभव जो पोटेंशियल होता है, जो मैं अभी तक चिल्ला रहा हूं और अभी भी चिल्लाता रहूंगा कि जो पोटेंशियल है वो फील्ड से जुड़ा होता है। तो चलिए इसको फील्ड से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसके लिए मैं आपको एक डॉग थ्योरी बताता हूं। ये मैं बच्चों को समझाने के लिए कॉलेज में प्रयोग करता हूं, डॉग थ्योरी। ठीक है, मैंने जो है सिंप्लीफाई करके खुद से ये बनाया है थ्योरी ताकि बच्चों को ये पोटेंशियल को समझाया जा सके, विभव। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे एक कोर एरिया है, एक एरिया है, वो एरिया किसी कुत्ते का है। आप लोग जानते हैं हर कुत्ते का एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है। तो मान लीजिए कुत्ते का कोई फील्ड है, ठीक, और उसका एक कोर एरिया होता है जहां पे वो एकदम निश्चिंत होके सोता है। अब ये अगर कुत्ता है, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई कुत्ता है, उसका एरिया है, तो चलिए, और आप लोग जानते हैं वो कुत्ता समय समय पे अपने एरिया का सीमांकन भी करता है, कैसे करता है ये आप लोग जानते हैं। तो मान लीजिए ये कुत्ता जो है अपना इतना एरिया बना के रखा है, ये इस कुत्ते का एरिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक और यहाँ पे बाहर कुत्ता है, ठीक, एक दूसरा कुत्ता है, नाम दे दीजिए, ये है कुत्ता ए और ये है डॉग बी। ठीक, अब सुनिए, हर कुत्ते का एक एरिया होता है, एक उसका फील्ड होता है, ये इसका कोर एरिया है। अगर कोई दूसरा कुत्ता इसके एरिया में आने की कोशिश करता है तो आपको पता है दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होगा, झगड़ा होगा। उसी से हम लोग पोटेंशियल समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पोटेंशियल वर्क एंड एनर्जी से जाके जुड़ गया है। देखिए, जब तक ये कुत्ता इसके फील्ड से बाहर था, जब तक ये कुत्ता इसके फील्ड से बाहर है बी वाला, तब तक इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जैसे ही ये कुत्ता इसके फील्ड के अंदर, ये जस्ट इसके बाउंड्री पे एंटर किया, इस कुत्ते ए को तुरंत पता चल जाएगा कि इसके क्षेत्र में, इसके एरिया में कोई कुत्ता बी आया है और ये दोनों के बीच में लड़ाई होगा। अब ये कुत्ता ए जो है क्या करेगा, यहां से इसको भौंकेगा। अब चूंकि ये भौंकेगा और ये यहाँ पे बहुत इसके बाउंड्री के जस्ट यहाँ से थोड़ा सा अंदर आया है, तो मान लीजिए 10 बार भौंकने पे ये इसके बाउंड्री से बाहर चला जाता है। माने 10 बार भौंका तो ये बाहर चला गया, हो गया इसका काम 10 बार। यानी ये जो कुत्ता इस पॉइंट पे आया था, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 10। इसको एनर्जी के टर्म्स में लीजिएगा, वर्क के टर्म्स में, माने इस पॉइंट पे इस कुत्ते बी को यहां से अपने क्षेत्र से बाहर भगाने के लिए इसको 10 बार भौंकना पड़ा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए 10 है। लेकिन अगर यही कुत्ता बहुत ढीठ निकला और ये और इसके कोर एरिया के एकदम पास चलाया, यहां पे चलाया, कुत्ता बी जो है इसके कोर एरिया के एकदम पास चलाया, तो अब तो भयंकर लड़ाई होगा। अब ये कुत्ता ए जो है वो बी को भगाने के लिए बहुत भौंकेगा और मान लीजिए अब इसको यहां से अपने क्षेत्र में बाहर निकालने के लिए 100 बार भौंकना पड़ा, तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 है। यानी 100 भौंकना, भौंकने का मतलब कार्य कर रहा है, ये इसको यहां से अपने क्षेत्र से बाहर भगाने के लिए कार्य कर रहा है। और कितनी बार भौंका, 100 बार भौंका, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल 100 है। अब देखिए इस पॉइंट का जो पॉइंट, इस पॉइंट को मैं 1 देता हूं, इस पॉइंट को मैं 2 देता हूं, तो पॉइंट 1 का पोटेंशियल पॉइंट 2 के पोटेंशियल से क्या है, कम है। जैसे जैसे आप इसके कोर एरिया, इसके पास पहुंचेंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल का मतलब, यू नो, पोटेंशियल
आप जैसे आपको कोई बोलता है कि अरे पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल है तुम्हारा, कितना पोटेंशियल है, आप समझ पा रहे, इसको फील करिएगा कितना पोटेंशियल है तुम्हारे पास। तो ये है इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये इसके कोर के पास, इसका पोटेंशियल 100 है। यहां से इसको बाहर निकालने के लिए 100 बार भौंकना पड़ेगा, लेकिन यहां से बाहर निकालने के लिए कितना भौंकना पड़ेगा, मात्र 10 बार। और बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ, अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, इनफाइनाइट पे भेज दिया। तो अब यहीं से आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है। इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या माना जाता है, 0। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल, अब उसको चाहे जिसे दर्शाइए, चले फाई से दर्शाते हैं, इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या होता है, 0। अब आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब भी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आप पढ़ेंगे तो डेरिवेशन में क्या बताता है, किसी पुल को, किसी पार्टिकल को किसी क्षेत्र में किसी पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका पोटेंशियल ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब पता चला क्यों इनफाइनाइट उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है। इनफाइनाइट मतलब अपने फील्ड से उसको बाहर भेज दिया, या फिर दूसरे तरह से इसका परिभाषा ऐसे बनता है कि इनफाइनाइट से किसी पिंड को, किसी पार्टिकल को धक्का देते देते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उसके पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे इसको यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक इस कुत्ते को आने में कितना कार्य करना होगा, 100। कुत्ते के परस्पेक्टिव से सोचिए, बी वाले का, बी वाला यहां से यहां तक आने में कितना कार्य करना पड़ा इसको, 100 जूल। कैसे पता, क्योंकि जब ए वाला इसको भौंक रहा है इसके ऊपर 100 जूल कार्य कर रहा है, तो 100 जूल कार्य जब इसके ऊपर कर रहा है तो ये वापस इनफाइनाइट यानी इसके क्षेत्र से बाहर चला जा रहा है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हुआ, 100। अब ये बात अलग है कि पोटेंशियल को हम डायरेक्ट नहीं माप सकते, कुत्ते का भौंकना तो हम माप सकते हैं लेकिन पोटेंशियल को डायरेक्ट नहीं माप सकते। तो किसको माप सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, कैसे, सुनिए। मान लीजिए ये जो कुत्ता है वो इस पॉइंट पे, टू पॉइंट पे यहां पहुंच गया है। अब यहां से बाहर इनफाइनाइट तक भेजने में कितनी बार भौंकना पड़ेगा, 100। और अगर पॉइंट वन पे होता तो कितनी बार भौंकना पड़ता, 10 बार। तो जरा एक बार बताइए, पॉइंट टू से पॉइंट वन तक ले जाने में कितनी बार भौंकना होगा, जल्दी से बताइए, पॉइंट टू से पॉइंट वन तक ले जाने में कितनी बार भौंकना होगा, 100 - 10, 90। यानी 90 बार अगर भौंक देगा तो ये पॉइंट टू से यहां पे खिसक के कहां पे आ जाएगा, पॉइंट वन पे, ठीक। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। फिर यहां से अगेन इनफाइनाइट यानी इसके फील्ड से बाहर जाने पे 10 बार भौंकेगा तो बाहर चला जाएगा। बाहर जाने का मतलब, क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो जो रेंज, जो परास, वो इनफाइनाइट माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि इनफाइनाइट मतलब कोई बहुत बड़ी दूरी, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बहुत दूर स्पेस में कहीं दूर किसी पार्टिकल को भेज दीजिए तो उस पार्टिकल का पृथ्वी से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी वहां पे पृथ्वी का पोटेंशियल क्या है, 0 है। पृथ्वी का पोटेंशियल क्या है, 0। और एक चीज यहीं पे और बताना चाहूंगा, जैसे जैसे आप इनफाइनाइट से उस पार्टिकल के कोर, यानी अब इस पार्टिकल को आप डॉग थ्योरी को भूल जाइए, अब इसको अर्थ मान लीजिए, पृथ्वी, ये है हमारी अर्थ। अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके फील्ड के प्रत्येक पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है। अब तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे पोटेंशियल क्या है। अब अगर किसी पार्टिकल को इनफाइनाइट यानी इसके क्षेत्र के बाहर से कहीं से खिसकाते खिसकाते लाएंगे यहां पे, ठीक है, तो जो वर्क मिलेगा या जो आपको करना होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको यहां तक लाएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता एनर्जी नहीं, पोटेंशियल बढ़ेगा। और पृथ्वी के जब सेंटर पे चले जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, G m1 m2 / r। और क्या है, अर्थ के सेंटर से दूरी, तो r बराबर 0 रख दीजिए, यानी अर्थ के सेंटर पे जब r 0 रखेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। अरे भाई यहां इसके सेंटर पे इनफाइनाइट होगा तभी जब आप इससे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, और इसके क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे यानी इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा अर्थ की ओर आप बढ़ेंगे उसके कोर की ओर तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप जो स्टूडेंट होंगे सीरियस, उनके मन में जरूर एक डाउट आया होगा
कि सर ये जो पोटेंशियल का हम लोग एक फार्मूला लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच अर्थ से हाइट होता है, यानी अर्थ से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ना चाहिए, पर आप तो उल्टा बोल रहे हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है ये अर्थ के सरफेस को रेफरेंस लेके डिराइव किया गया है। ये वाला जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है यू बराबर जी एम वन एम टू बाई यहाँ पे आर, ये इनफाइनाइट को रेफरेंस लेके डिराइव किया गया है। मतलब इस फॉर्मूले में पोटेंशियल को कहां पे जीरो माना गया है, इनफाइनाइट पे जो एक्चुअल में होता है, ठीक है। पोटेंशियल को जीरो कहां माना गया है, इनफाइनाइट पे जो एक्चुअल में होता है। ये फॉर्मूला चूंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अर्थ के सरफेस का पोटेंशियल जीरो मान के इसको डिराइव किए हैं। यही कारण है कि जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो उल्टा हमें पोटेंशियल इस फॉर्मूले से पोटेंशियल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस, इस केस में रेफरेंस अर्थ का सरफेस माना गया है और इस केस में रेफरेंस इनफाइनाइट माना गया, ये कारण है इसके पीछे छुपा हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज आप लोग ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये टॉपिक मुझे वैसे भी पढ़ाना था ताकि बहुत बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, पोटेंशियल होता क्या है, जुड़ा क्या है, और इसका डेरिवेशन आप लोग अब जाके दोबारा इंटर में चेक करिएगा, वो जो डेरिवेशन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कि इनफाइन अनंत से किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पी पे लाने में जो पृथ्वी के कोर से आर दूरी पे हो जो कार्य करना पड़ता है वही उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। क्यों संचित हो जाता है ये आज आप लोग सीखे, और क्यों इनफाइनाइट से ही लाते हैं ये भी आप सीखे, क्योंकि इनफाइनाइट पे ही इंटरेक्शन जीरो होगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। वो अर्थ के फील्ड में तो ही आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, अर्थ के फील्ड में तो कहीं आपको पोटेंशियल जीरो मिलेगा ही नहीं। तो आपको जीरो लेने के लिए, इसको जीरो रेफरेंस लेने के लिए आपको इसके क्षेत्र से बाहर जाना होगा इनफाइनाइट पे, ये कारण है उसमें डेरिवेशन। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और अगर आपको कोई डिमांड है इस चैनल से, कोई वीडियो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है फिजिक्स का, तो आप दुनिया का कोई भी टॉपिक मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा ये मूर्खता है साक्षात्र कहना। मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए, मैं उस पर अच्छी नॉलेज, अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं उस पर अच्छी नॉलेज कहीं ना कहीं से सीख के आपको सिंपल वे में समझा दूंगा, क्लियर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।